रिक्शा से हमने सर ये प्रॉब्लम्स जब देखी, हमने सुनी और उन रिक्शा के अंदर वो मोशन टूट जाने की कमी की हम बफलास हाई सेकेंडरी स्कूल से कहते हैं कि तब्दीली के बगैर तरक्की नामुमकिन है और जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। तो हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, हमने अपने प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तरफ हमने प्रॉब्लम्स बताई, देन सॉल्यूशंस। हमारा मेजर प्रॉब्लम जो था वो एयर पोल्यूशन था। एयर पोल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं कितनी सारी डिजीज़, लंग कैंसर, ब्रोंकस प्रॉब्लम, मुझे खुद इतनी एलर्जी होती है, मैं पिल्स खा के आई सुबह। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉसेस का फिल्टर बनाया। मॉसेस जो एक ब्रायोफाइट है, वो खुद से वहाँ पे हम प्लांट कर देंगे, वो 12 वीक्स में ग्रो होगा और खुद करेगा, क्योंकि हम उसमें पानी के सेंसर सब इस्टेब्लिश कर देंगे। और इस हिसाब से 53% तक CO2, डस्ट, पोल्यूटेंट्स, जो भी हार्मफुल केमिकल्स जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं वो इससे कम हो जाएंगे। यही हमारा एम है कि हम एयर पोल्यूशन को कम से कम करें। एक साइंस एग्जीबिशन जो डाइट के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम जोन्स के बच्चे जो हैं उन्होंने वर्किंग मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल और इस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे बनाए हैं। और हमारे यहाँ लगभग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के सभी एरियाज से हमने स्कूल्स के मॉडल यहाँ प्रेजेंट किए। यहाँ पे DC साहब ने भी इंस्पेक्शन की, मैंने खुद भी की, और यहाँ हमारा जो स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये वर्किंग मॉडल और डिस्क्रिप्टिव मॉडल या पिक्टोग्राफिक मॉडल जो हैं, ये बेसिकली पर्पज़ है कि बच्चों का जो बेसिक मोटर स्किल है उनके अंदर जो एप्टीट्यूड है उसको इन्हांस किया जाए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो आप जो एक कंसेप्ट बेस पे है, ना कि थ्योरेटिकल बेस पे है। जो बच्चे हमारे हायर क्लासेस में हैं, हायर सेकेंडरी में हैं या 9th-10th में हैं, तो वहाँ पर वैसे साइंटिफिक मॉडल्स जो हैं हमने यहाँ पर डिस्प्ले उन्होंने खुद बनाए और उन्होंने यहाँ किए हैं, और इससे हमारा जो बच्चों का इनिशियल एक्सपोजर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इन्हांस होता है। और इसकी एक छोटी सी कोशिश यहाँ की गई और इससे पहले हमने मेंडर जोन में भी वहाँ पे भी की गई है, और आइंदा नेक्स्ट टाइम हम यहाँ डाइट पे भी करेंगे और दूसरी जगह भी करेंगे।